दिल्ली के कई इलाकों में दिल्ली के कई अस्पतालों में कोरोना वायरस संक्रमित बच्चों में कावासाकी नाम की बीमारी के लक्षण भी पाए गए हैं। मुंबई के बाद अब दिल्ली में भी कोरोना से पीड़ित बच्चों में कावासाकी जैसी बीमारी के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में दिल्ली के कई अस्पतालों ने बताया कि कोविड 19 लक्षण वाले बच्चों में कावासाकी बीमारी जैसी दुर्लभ बीमारी से जुड़े लक्षण हैं। लेकिन क्या है कावासाकी जो कोरोना को और घातक बना रही है, रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस से पहले ही हाल बेहाल है। देश में संक्रमितों का आंकड़ा 10 लाख के पार हो चुका है। कोरोना वायरस की दहशत कम थी क्या, जो अब कावासाकी का डर भी सताने लगा है। एक बार फिर भारत में कावासाकी की आहट महसूस हो रही है। राजधानी दिल्ली के कई अस्पतालों में कोरोना वायरस संक्रमित बच्चों में कावासाकी बीमारी के लक्षण पाए गए हैं। ये बीमारी नई नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमित बच्चों में पाए जाने से और भी घातक हो गया है। कावासाकी नाम की बीमारी बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो जाती है। मुंबई के बाद अब दिल्ली में भी कोरोना से पीड़ित बच्चों में कावासाकी जैसी बीमारी के मामले सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में दिल्ली के कई अस्पतालों ने बताया कि कोविड 19 लक्षणों वाले बच्चों में कावासाकी बीमारी जैसी दुर्लभ बीमारी से जुड़े लक्षण सामने आए हैं। बच्चों के दिल्ली स्थित एक अस्पताल का कहना है कि बच्चों में बुखार, चकते, श्वसन और जठसंत्र संबंधी लक्षण देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने ऐसे 5 से 6 मामलों की पुष्टि की है। ये सभी बच्चे पहले से ही कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि इटली, चीन, अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों में भी कोविड से पीड़ित बच्चों में भी ऐसे लक्षण देखे जा रहे हैं। कावासाकी एक किस्म का सिंड्रोम है, जिसके होने की वजह अब तक नहीं पता चली। आमतौर पर ये बीमारी 5 साल से कम बच्चों पर असर करती है और इसमें बुखार भी आता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये सिंड्रोम इम्यूनिटी सिस्टम को खराब कर देता है और दिल, इंटेस्टाइन, लीवर और किडनी को प्रभावित कर सकता है। इस तरह के 6 में से 3 मामलों में आईसीयू की जरूरत होती है। कोविड मल्टीसिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम में दिल आमतौर पर 50 से 60% मामलों में प्रभावित होता है और बच्चा सदमे में चला जाता है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के आधार पर इस बीमारी की पहचान की जाती है। आमतौर पर बच्चे में हाई ग्रेड फीवर, आंख लाल, गर्दन के पास गांठ, बॉडी में रेशेस बनना, पेट में दर्द, वॉमिटिंग, मुंह स्ट्रॉबेरी की तरह लाल हो जाना जैसे लक्षण कावासाकी की पहचान होते हैं। इस बीमारी में ब्लड वेसल्स में सूजन आ जाती है, साथ ही बच्चे की पाचन की क्षमता भी खराब हो जाती है। बीपी नीचे चला जाता है, इसलिए जरूरी है कि ऐसे लक्षण वाले बच्चे को समय पर इलाज मिले। इस बारे में अस्पताल के प्रमुख का कहना है कि अन्य वायरस भी इस सिंड्रोम की वजह बन सकते हैं, लेकिन संभावना है कि बीमारी कोविड 19 से संबंधित हो। बच्चों को अनएक्सप्लेन्ड टेचिकार्डिया था, उनमें से कुछ सदमे की स्थिति में थे। इसके अलावा दिल्ली के ही सर गंगाराम अस्पताल में ऐसे 6 मामले सामने आए, जिसमें 4 कोविड 19 से संक्रमित पाए गए, जबकि अन्य 2 में रोग से लड़ने के लिए कोई एंटीबॉडी विकसित नहीं हुई। विशेषज्ञों ने बताया कि समय पर इलाज और लक्षणों की पहचान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।